स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। आज ट्रेंडिंग और एंटरटेनमेंट में बात करेंगे बिग बॉस गर्ल के बर्थडे की, साथ ही आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन को लेकर कल जो कुछ भी हुआ उस पर कंगना के बिगड़े बोल, साथ ही बात करेंगे गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग की। बिग बॉस से फेमस हुई पंजाब की कैटरीना कैफ कहलाई जाने वाली बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड शहनाज गिल का आज 28वां जन्मदिन है। उनके बर्थडे की पोस्ट जमकर वायरल हो रही है। सबकी चहेती, शहनाज ने अपना करियर एज अ मॉडल 2015 में शुरू किया था और उनकी पहली फिल्म थी सत श्री अकाल इंग्लैंड। 2019 में उन्होंने बिग बॉस में पार्टिसिपेट किया और सेकेंड रनर अप रही। बिग बॉस में उनके बोले डायलॉग को यशराज मुखाटे ने कुछ इस तरह फेमस कर दिया। मारी फीलिंग तुम्हारी एक तो अड़ता डा कुत्ता टॉमी साडा कुत्ता 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 टॉमी सिंपति मिले हो जाता कुत्ता। मारी फीलिंग तुम्हारी मेरे को फीलिंग नहीं है। तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी साडा कुत्ता टॉमी साडा कुत्ता कुत्ता तुम्हारी फीलिंग। शायद ही कोई ऐसा हो जिसने इस गाने पर वीडियो ना बनाया हो। शहनाज ने अपना बर्थडे अपनी फैमिली और अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ शुक्ला और उनकी फैमिली के साथ मनाया। दोनों काफ़ी खुश और मस्ती करते हुए नजर आए। सिद्धार्थ ने शहनाज को स्विमिंग पूल में भी धक्का दे दिया। अब बात करते हैं बड़ बोली कंगना की। कंगना और दिलजीत की ट्विटर पर लड़ाई तो हम सब वाकिफ है। कल किसान आंदोलन पर जो कुछ भी हुआ उस पर काफी विवादित बयान जारी करते हुए ये वीडियो डाला है कंगना ने। किया जा रहा है सबके सामने और सबके सामने ये तमाशा हो रहा है। आज दुनिया में हम मजाक बन के रह गए हैं। कुछ हमारी इज्जत नहीं रही है। जब भी देखो हम गवारों की तरह, चाहे कोई दूसरे देश का प्राइम मिनिस्टर आए या कुछ आए। किया जा रहा है इसी के साथ ही कंगना ने किसानों पर तंज कसते हुए देशवासियों को गवार तक कह दिया। बड़पोली कंगना कभी भी इस तरह के विवादित बयान देने से पीछे नहीं हटती। चलिए अब बात करते हैं गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग की। गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग का ट्रेलर रिलीज हो गया है जिसने आते ही धूम मचा दी है। यूट्यूब पर इसको सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग देखा जा रहा है। देखिए एक बार इसका ट्रेलर। ट्रेलर तो वाकई काफी रोचक लग रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के मन में आ रहा है वो है व्हाई गॉडज़िला हर्टिंग पीपल। क्योंकि अभी तक गॉडज़िला को काफी अच्छे तरह से दिखाया जा रहा था, एज अ सेवियर उन्हें दिखाया जा रहा था, लेकिन अब उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है यही आप फिल्म में देखेंगे, लेकिन उसको आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कितना वेट ये हमें नहीं पता क्योंकि अभी रिलीज डेट लॉन्च नहीं हुई है। सिंगापुर में ये 21 मार्च को लॉन्च होगा। अभी की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।